नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अयोध्या से है। 14 कोसी परिक्रमा पथ पर उमड़ा भक्तों का रैला, सुरक्षा सख्त मगर देर शाम से ही भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा है। इस बार राम मंदिर निर्माण के बीच पहली परिक्रमा यात्रा करने को लेकर अयोध्या वासियों में खासा उत्साह है। इसी के साथ सुबह से ही मजिस्ट्रेटों के साथ चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस फोर्स कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में जूझती नजर आई। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र से बाहर से आने वाली भीड़ को 13 बैरियरों पर रोककर लौटाना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। परिक्रमा मुहूर्त से पहले ही तमाम भक्त परिक्रमा पथ पर अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग स्थान पर आ डटे। मार्ग पर रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ जय श्री राम, राम राम और सीताराम के स्वर ध्वनित होते दिखाई दिए। गगनभेदी जय घोष की सामूहिक स्वरों से 14 कोसी परिक्रमा गत गुंजायमान होता दिखा। अयोध्या, दर्शनगर, भीकाशपुर, देवकाली, जनोरा, नाका, हनुमानगढ़ी, मोहदास, सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर, सदाउदगंज, अफीम कोठी आदि स्थानों से श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तों की रोह में परिक्रमा करना शुरू कर दी। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह सेवा शिविर भी लगे थे। 17 स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क, चिकित्सा शिविर लगाकर कोविड जांच उपकरण समेत डॉक्टर की टीम इलाज के संसाधनों में लेश है। जलपान से लेकर इंतजाम भी परिक्रमा पथ पर खूब दिखे। आस्था के पथ पर चल रहे श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए तमाम संस्थाएं प्रशासन से अनुमति लेकर डटी हुई हैं। रामनगरी की तीन परिक्रमाएं सदियों से आस्था का केंद्र रही हैं। इसमें अयोध्या की सांस्कृतिक परिधि की 84 कोसी परिक्रमा, आध्यात्मिक परिधि की 14 कोसी परिक्रमा और धार्मिक परिधि की 5 कोसी परिक्रमा शामिल है। इस बार रविवार रात 1:56 पर परिक्रमा शुरू करने का शुभ मुहूर्त है, लेकिन प्रशासन ने कोरोना की सेकेंड वेव को देखते हुए भक्तों से इसका संक्रमण न फैले इसलिए सख्त गाइडलाइन तय की है। कमिश्नर एसपी अग्रवाल, डीएम अनुज कुमार, आईजी डॉक्टर संजीव गुप्ता, डीआईजी दीपक कुमार ने सख्त हिदायत दी थी कि अयोध्या नगर निगम के वार्डों में रहने वाले लोगों के अलावा किसी भी बाहरी को इस बार परिक्रमा में हिस्सा न लेने दें। संत धर्माचार्य कहते हैं कि 14 कोसी व 5 कोसी परिक्रमा करने का खासा महत्व है। लोग कम से कम 5 बार परिक्रमा जरूर करते हैं। इस बार कोरोना की वजह से ऐसे लाखों भक्तों का तारतम्य टूट रहा है, लेकिन आपदा काल में सबको सतर्क रहना जरूरी है। भक्त अगली बार फिर से अपना क्रम बरकरार रखेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मिल्कीपुर से रामलौट तिवारी की रिपोर्ट।